डंबल हैमर कर्ल, टारगेट मसल ब्रैकियलिस एंड ब्रैकियोडियलिस। इस एक्सरसाइज से बाइसेप और फोरआर्म मसल काफी तेजी से मजबूत बनता है, जिससे हम आसानी से हैवी वेट उठा पाते हैं। दोनों हाथों में डंबल को लेकर सीधे खड़े हो जाए, हाथों को आगे और एल्बो को बॉडी के क्लोज रखते हुए डंबल को न्यूट्रल ग्रिप हैंड से पकड़ ले। कंट्रोल फॉर्म के साथ डंबल को शोल्डर की ओर लेकर आए तो बाइसेप मसल को स्क्वीज करें और फिर धीरे धीरे डंबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर जाए। आप चाहे तो इसे बैठकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 4 सेट परफॉर्म करें, जिसमें पहले सेट में लाइट वेट के साथ वार्म अप करना है और फिर वेट को इंक्रीज करते हुए अगले 3 सेट में 10 से 12 रिपीटेशन करें। डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। ओवरऑल ट्राइसेप मसल को मजबूत और बड़ी बनाने के लिए यह एक्सरसाइज ट्राइसेप के लॉन्गेड मसल को टारगेट करता है। इस मोमेंटम के दौरान आपका कोर मसल भी वर्क होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों से एक डंबल को अपने सिर के ऊपर पकड़कर खड़े हो जाए या फिर किसी बेंच पर बैक के सपोर्ट से बैठ जाए। अपने एल्बो को बैंड करते हुए डंबल को अपने सिर के पीछे से नीचे की ओर ले जाए और फिर ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करते हुए डंबल को ऊपर की ओर लेकर आए। इसी फॉर्म के साथ आपको इसे परफॉर्म करना है। इसके आप 4 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। इजी बार कर्ल। स्ट्रेट बारबल कर्ल के मुकाबले इसमें आपके हाथों की पकड़ काफी कंफर्टेबल रहती है। इसे बाइसेप्स का स्मॉल एंड मसल टारगेट होता है और बाइसेप की पिक को ग्रो करने में काफी हेल्प करता है। दोनों हाथों से मजबूत ग्रिप के साथ इजी बार को पकड़कर खड़े हो जाए। हाथों की एल्बो को बॉडी के क्लोज रखते हुए बिना कोई झटका मारे बार को ऊपर की ओर उठाए तो बाइसेप मसल को स्क्वीज जरूर करे और फिर धीरे धीरे बार को स्टार्टिंग पोजिशन में लेकर आए। हल्के वेट के साथ इसकी शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करते जाए। इसके आप 3 से 4 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन करें। इजी बार स्कल क्रशर। इस एक्सरसाइज से ट्राइसेप का लेटरल हेड और लॉन्गेड मसल टारगेट होता है। ट्राइसेप मसल के साइज को बढ़ाने के साथ साथ एल्बो जॉइंट को भी काफी मजबूत बनाता है। इजी बार को ओवरहेड ग्रिप के साथ पकड़कर फ्लैट बेंच पर लेट जाए, लाइट वेट का इस्तेमाल करे। अपने एल्बो को मोड़ते हुए इजी बार को अपने सिर की ओर नीचे लेकर आए तो 1 सेकेंड होल्ड करे और ट्राइसेप मसल पर फोकस करते हुए बार को तब तक ऊपर की ओर लेकर आए जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए। फिर से बार को नीचे की ओर लेकर आए। इसी तरह से आपको इसे परफॉर्म करना है। इसके 3 से 4 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन करें। मशीन प्रीचर कर्ल। यह बाइसेप की काफी अच्छी एक्सरसाइज है। बिना किसी चीटिंग और अपर आर्म्स के सपोर्ट से आप इसमें बाइसेप मसल को आइसोलेट कर पाते हैं। इसे करने के लिए प्रीचर कर्ल मशीन को अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट करके मशीन पर बैठ जाए। अपर आर्म्स को मशीन के पैड पर रखते हुए दोनों हाथों से हैंडल को पकड़ ले। बाइसेप मसल को स्क्वीज करते हुए हैंडल को ऊपर की ओर उठाए तो 1 सेकेंड होल्ड करे। फिर स्पीड पर कंट्रोल करते हुए हैंडल को नीचे की ओर लाकर बाइसेप मसल को स्ट्रेच करे। मशीन पर परफॉर्म करने से आप बाइसेप मसल पर कंटिन्यू टेंशन बना पाते हैं। इसके भी आप 3 से 4 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। रोप पुश डाउन। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ इसे ट्राइसेप का लेटरल हेड आइसोलेट और बड़ा बनता है। लाइट वेट का सिलेक्ट करते हुए कैबल मशीन के ऊपरी लॉक पर रोप केबल को अटैच करके दोनों हाथों से रोप केबल को पकड़ ले। अपने हाथों की एल्बो को बॉडी के क्लोज रखते हुए कैबल को नीचे की ओर खींचे तो 1 से 2 सेकेंड होल्ड करे। ट्राइसेप मसल को अच्छी तरह से स्क्वीज करे, फिर धीरे धीरे कंट्रोल फॉर्म के साथ कैबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इस रूटीन के लिए काफी अच्छी फिनिशिंग एक्सरसाइज है। पूरे आर्म्स मसल में अच्छी पंप बनाए रखने के लिए इसके 4 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें और लास्ट का 1 सेट ड्रॉप सेट करें, जिसमें आपको जितने ज्यादा हो सके उतने रिपीटेशन करना है।